अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, टेक्निकल क्वेश्चन है ये, नवंबर 2012 पेपर 1-2, क्वेश्चन नंबर 3। एंड क्वेश्चन में आपको शेप भी गिवन है और बोला है कि डायग्राम शोज एन एल शेप पीस ऑफ द कार्ड मेजरमेंट इन सेंटीमीटर। क्या क्या था पैरामीटर था? पैरामीटर निकालना बड़ा आसान है, ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, ये 3 है तो ये आपके पास 6 हो जाएगा। सबको ऐड कर दें, 8 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 9, एंड द पैरामीटर शुड बी इक्वल टू बिल्कुल 34। तो ये 34 सेंटीमीटर आपका बन गया पैरामीटर। अब इधर थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, द स्क्वायर पीस ईच ऑफ द साइड 2 सेंटीमीटर आर कट फ्रॉम दिस कार्ड, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी ऑब्टेन्ड। अच्छा, बेसिकली नॉर्मल हमारे पास जो टेक्निक होती है ना किसी भी चीज को निकालने की, जैसे हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन में किया था जब हमारे पास ये सवाल आया था इसका, पाथ वाले का, और हमने टाइल को जो है ना टोटल एरिया को हमने डिवाइड कर दिया था टाइल के एरिया से, टोटल एरिया को हमने क्या कर दिया था टाइल के एरिया से हमने डिवाइड कर दिया था। तो उसमें बेसिकली हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए थी ताकि हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएं उसमें। अब ऑब्वियसली बात है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल आएंगी तो हमें उसको फिल इन करना था, भले हम आधी टाइल क्यों ना लगाएं उसमें, ठीक है, बाद में वो हम उसको एडजस्ट कर सकते थे, राइट। इधर जो है ना उसने क्या बोल दिया है, अ कट फ्रॉम द कार्ड। अब गिवन कार्ड में का एरिया तो ज्यादा आएगा बनस्पत जितना हम काट सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको एरिया वाइज करते हैं तो ये हो जाता है 4 इंटू 3 विच इज 12, एंड 9 इंटू 4 विच इज 36, तो ये कितना आ गया 48, और स्क्वायर का एरिया आ जाएगा 2 इंटू 2 विच इज 4। तो अगर हम 48 को डिवाइड बाय 4 करते हैं तो हमारा आंसर आ गया 12, और नॉर्मली बच्चा इसी तरीके से इसको अटेम्प्ट करेगा जो कि गलत हो जाएगा। अच्छा, रीजन इसका क्या है, क्योंकि ये जो शेप है ये थोड़ा सा डिफरेंट शेप है, इसमें हम लोग अगर काटेंगे, क्योंकि इसी को काटना है, इसी को काट के हमें क्या करना है, इसी को काट के हमें स्क्वायर बनाने हैं। तो अगर मेरे पास इसमें से मैं कैसे काट सकता हूँ, दो तरीके हो सकते हैं, राइट। अब या तो मैं इसको दो दो करके काटूं, यहां तक लेके आऊं, ठीक है, दैट मीन मैं यहां से 2 सेंटीमीटर ले लूं और नीचे लेके आ जाऊं, ठीक है, और फिर मैं यहां से काटूं और इसको मैं यहां तक लेके आ जाऊं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा इसका और ये 8 है, तो यहां से मेरे पास कितने आ जाएंगे 4, यहां से आ जाएंगे मेरे पास 4, क्योंकि 2 2 2 2 का हमें बॉक्स बनाना होगा, ये भी 2 का बॉक्स बनाना है। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ ये जो है ये तो पार्ट ही नहीं है ना, ये तो उसमें 1 में आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा और ये भी नहीं आ रहा, बाकी ये कितना बच जाएगा आपके पास 6 और 4 का, तो यहाँ पे भी कितने बनेंगे भाई मेरे पास, 1 2 3 4 5 और 6, तो मेरे पास कितने बन गए, ये टोटल 10 बन गए यहाँ पे। पर इसके लिए मुझे ये एग्जैक्ट करना पड़ेगा जगह, ये जगह एग्जैक्ट करनी पड़ जाएगी, क्योंकि अगर एग्जैक्ट नहीं करूंगा ऑटोमेटिकली मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता। या तो आप ये टेक्निक यूज करें या फिर हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कि मुझे ये पता है कि भाई यहां से लेके यहां तक इसको ब्रेक कर दें, ठीक है, अगर मैं इसको ब्रेक कर देता हूं तो ये 3 है, तो इसको आप 3 में से 1 हटा दें तो बचे कितने, 2, एक ये बच गया दूसरा ये हो गया 2 सेंटीमीटर ईच का, और यहां से भी आप ये चीज हटा दें, एक ही बात हो जाएगी, तो ये भी कितना हो जाएगा 1, क्योंकि इसका ये 6 था तो इसमें वही बन जाएंगे 3, और यहां से आपके पास कितने आ गए 8, तो 3 4 5 6 7 8 9 और 10,
तो बेसिकली क्योंकि इसका अनइवन शेप है ना, हमें काटना है, हमें काट काट के हमें स्क्वायर्स बताने हैं, हमें बेसिकली उसके अंदर फिल इन नहीं करना, हमें उसके एरिया के अंदर फिल इन नहीं करना, बेसिकली हमारे पास जो गिवन फिगर है उसमें से हमें करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई गिवन फिगर में से मेरे पास मैक्सिमम जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 10 निकलेगा। अच्छा, जो बच्चा गलती करता है वो क्या करता है, उसका एरिया में से डिवाइड कर देता है स्क्वायर के एरिया से, तो यहाँ पे वो क्या कर देता है, गलत सॉल्व करके आ जाता है, उसके मार्क्स लूज हो जाते हैं। सो इट्स जस्ट बिकॉज दैट दिस इज एन अनइवन शेप, कंसिडरिंग दैट ऑब्वियसली आपके पास लेंथ बड़ी है जितनी मुझे रिक्वायर्ड है, और मुझे क्या चाहिए एग्जैक्टली, इसलिए तो उसने बोला ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर निकाल के दे दो। तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 7, नवंबर 2012, पेपर 1-2, क्वेश्चन नंबर 3।